अच्छा भाई नौरीन, ये बताओ कि तुम कब मिलवा रही हो अपने होने वाले दामाद से? हाँ हाँ क्यों नहीं सवेरा, मुताहिर कहाँ है, फोन करके बुलाओ ना उसे। मुताहिर? क्या क्या हुआ नसरीन, तुम इस नाम से चौंक क्यों गई? नहीं बस ऐसे ही, असल में मेरी नंद के बेटे का नाम भी मुताहिर है। और देखो मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, वही दुनिया में बेशुमार मुताहिर हो सकते हैं। और क्या, क्या हुआ है सवेरा? वो मामा मुताहिर कॉल रिसीव नहीं कर रहे, शायद आपके कोई रिपोर्ट्स कलेक्ट कर रहे होंगे। हाँ हो सकता है। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं फिर कभी मिल लूंगी उसे। नौरीन अब तुम मुझे इजाजत दो, बहुत देर हो गई है। और देखो तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। अपना बहुत ख्याल रखो, इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाओगी। बिल्कुल बताऊंगी। और सवेरा बेटी की शादी की तैयारियां शुरू करो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस अब मुझे इजाजत दो, मुझे और जगह भी जाना है। ठीक है ना? ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आओ बेटा। मैं खामखा मुताहिर पे शक करती रही। मेरा होने वाला दामाद तो लाखों में एक है, वो इंशाल्लाह हमेशा सवेरा को खुश रखेगा। आंटी आप थोड़ी देर रुक जाती ना तो आपकी मुताहिर से भी मुलाकात हो जाती है। बेटा मैं मुताहिर से जरूर मिलूंगी किसी वक्त, बल्कि तुम ऐसा क्यों नहीं करती, मुताहिर को लेकर आओ ना हमारी तरफ कभी। जरूर आऊंगी, बस आप मामा के लिए दुआ करें कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए। अरे बेटा तुम फिक्र नहीं करो, मामा बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। और दोबारा जरूर आइएगा, आपसे मिलकर अम्मी बहुत खुश रहती हैं, उनकी सारी टेंशन दूर हो जाती है। जरूर आऊंगी बेटा, बस तुम परेशान मत हो, अम्मी ठीक हो जाएंगी। जी जरूर। अच्छा खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मुताहिर। खैरियत सवेरा? यहाँ पर नसरीन आंटी आई हुई थी। अच्छा कहाँ है नसरीन आंटी? अब तो वो चली गई, तुमसे मिलना भी चाह रही थी वो। कब से तुम्हें कॉल कर रही थी मैं, तुम मेरी कॉल्स क्यों नहीं रिसीव करते? आई एम सो सॉरी, वो एक्चुअली मुझे लगता है मेरा फोन साइलेंट पे था। तुम मुझे बताती तो मैं रुक जाता, मैं बाद में चला जाता, नसरीन आंटी से मिल लेते। मुझे खुद पता नहीं था, वो बस आ गई थी, शायद अम्मी से बात हुई होगी उनकी। हो सकता है, हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, फिर मिल लेंगे। अम्मी ठीक है? हाँ ठीक है, आ जाओ मिल लेते हैं उनसे।